इफ़ रूट थ्री टेन थीटा इक्वल टू थ्री साइन थीटा दे रखा है और हमें निकालना है साइन थीटा का ही वैल्यू निकालना है। वाह, लिखते हैं यहाँ पर जो गिवेन है रूट थ्री टेन थीटा इक्वल टू थ्री साइन थीटा दे रखा है आपको, तो रूट थ्री का रूट थ्री रहेगा है ना, और टेन के लिए क्या होता है आपका पी बटा बी होता है, तो आपने पी बटा बी लगा दिया। रूट थ्री के लिए ये जो आपका थ्री है इसके लिए आप दो रूट थ्री लिख सकते हो, लिख लो भाई, और साइन के लिए क्या लिख सकते हो पी बटा एस लिख सकते हो। तो एक रूट थ्री से एक रूट थ्री कैंसिल, पी से पी भी कैंसिल, ठीक है। अब चलो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एच अगर यहाँ पर आए, एच क्या के क्रॉस कीजिएगा आप यहाँ पर, तो एच बटा बी हो जाएगा जिसका वैल्यू यहाँ पर रूट थ्री और डिवाइड में आपका वन का वन ले लो आप यहाँ पर। एच को क्या किया मैंने इधर लाया तो एच अब बाई में बी का बी रहेगा, रूट थ्री कहीं से चेंज नहीं हुआ तो रूट थ्री का रूट थ्री रहेगा, बाई में कुछ नहीं तो अपना मन से मैंने क्या किया एक लगा लिया, ठीक है। अब एक ट्रायंगल बना के समझिए इस बात को, अगर ट्रायंगल ड्रॉ करिएगा, ट्रायंगल का नाम देते हैं हम लोग ए बी सी, यहाँ पे थीटा होगा ये आपका। अब हाइपोटेनस तो कन्फर्म आपका ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा और आपका बेस ये रहा, तो एच का मान यहाँ पर दे रखा है आपको रूट थ्री, बेस का मान वन है, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है कन्फर्म आपका रूट टू हो जाना है। तो परपेंडिकुलर निकालिएगा तो क्या लिखिएगा फॉर्मूला, एच का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर करना पड़ेगा, एच का स्क्वायर मतलब कि रूट तीन का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर मतलब कि वन का स्क्वायर, तो रूट तीन का स्क्वायर तीन माइनस में वन ये आपका रूट टू हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा आपको बच्चों रूट टू हो गया, ठीक है रूट टू हो गया। अब आपको निकालना है साइन थीटा का मान, क्या निकालना है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा क्या होता है आपका पी वटा एच होता है ना, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आ चुका है आपका रूट टू, तो यहाँ पर रूट टू, एच का मान हो गया आपका रूट थ्री, तो रूट थ्री इंडोर सॉल्व आपका रूट अंडर टू बाई थ्री ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।